मेरे मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी की कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज के एपिसोड में मैं आपको जानकारी दूंगा वास्तुशास्त्र। जीवन में हमारा जो शरीर है वो पांच तत्वों से बना होता है। अग्नि है, वायु है, जल है और पृथ्वी तत्व है और आकाश तत्व है। आकाश तत्व में तो हम विचरण करते हैं। चार तत्वों का हमारे शरीर के अंदर मिश्रण होता है। इसी प्रकार पांचों तत्व हमारे घर के भी ठीक हों तो हमारा घर का वास्तु भी ठीक रह सकता है। अगर हमारे शरीर के अंदर पांचों तत्व सही हों, हमें शुद्ध दवा मिलती हो, हमारे शरीर के अंदर हमारी चर्बी ठीक हो, अग्नि तत्व ठीक हो, वायु तत्व ठीक हो, जहां रह रहे हैं वहां ओपन टू एयर हो, जल तत्व की मात्रा ठीक हो तो हम खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ऋषि मुनि हमेशा जल के किनारे जंगल में कभी बीमार नहीं होते थे। प्रकृति का फूड लेना, तली हुई चीजें नहीं खाना। इसी प्रकार से मकान जो होता है उस मकान के अंदर भी पांच तत्व होते हैं। जो ये शरीर है हमारा, ये शरीर जिस जगह पर जिस कमरे में सोएगा उस कमरे में प्रॉपर सही दिशा में पानी हो, हवा का आवागमन हो, वहां पर पृथ्वी तत्व उसका ढलान, उसका ओपन टू एयर आसमान वो अच्छा हो, अग्नि की जगह अग्नि हो, तो ये शरीर कभी बीमार नहीं हो सकता। ये मेरा दावा है। अगर कोई बीमार रहता हो तो छत पर सोना शुरू कर दे एक महीने। अगर एक महीने वो छत पर सोएगा तो उसकी आधी दवाइयां खत्म हो जाएंगी। करके देख लें उसको, या जंगल में जाकर के रहना शुरू कर दे। जंगल में तो रहेगा कौन, लेकिन फिर भी ओपन टू एयर तो आप सो ही सकते हैं। ऊपर मच्छरदानी पंखा लगा करके तो सोइए। नेचुरोपैथी में ऐसे ही तो इलाज करते हैं पांचों तत्वों से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जल तत्व मकान, घर, बंगला, कोठी, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, आपकी सोसाइटी, उस कॉलोनी आपकी, आपका शहर, आपका गांव, आपका कस्बा, उसके कौन सी दिशा में पानी होना चाहिए। पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने तो जब अपने गांव को रिसर्च किया तो मैं तो हैरान रह गया। हमारा गांव गोल है, आधा गांव प्रोग्रेस में होता है, आधा डूबता रहता है। और जो डूबता रहता है उनके दक्षिण पश्चिम में पानी की भरमार रहती है। तो इस वजह से जो ईस्ट है और जो नॉर्थ है, ये दो दिशाएं बड़ी एनर्जेटिक होती हैं। आपको मैं सीरियल वाइज बताऊंगा कि जो चार दिशाएं, यानी चार दिशा होती है, चार कोण होते हैं और एक अंतरिक्ष और एक पाताल लोक, इसलिए इनको दस दिशाएं बोला गया, दशानन। तो आठ जो दिशाएं हैं उसमें चार कोण, चार दिशाएं, उसमें चार ही सर्वश्रेष्ठ होती हैं, बाकी चार बहुत हानिकारक होती हैं। इसकी जानकारी आपको देता हूं, छोटा सा ब्रेक लेता हूं और ब्रेक में आपको जानकारी मिलेगी सिर्फ ये कि मैं कौन सी क्लासें पढ़ाने वाला हूं। और सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो ये पहले आपको एड सुन लीजिए, उसके बाद शुरू करता हूं। ज्योतिष सीखने के लिए ऑनलाइन व रेगुलर कोर्स के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जिसकी क्लासें 2 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। ये कोर्स 6 महीने का प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कोर्स रहेगा, जिसकी क्लासें सैटरडे और संडे होंगे। इनमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसमें पंचांग अध्ययन, कुंडली बनाने की विधि, कुंडली फलादेश, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, रतन ज्योतिष, व्यवसाय ज्योतिष, कुंडली मिलान, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र,
प्रश्न ज्योतिष और उपाय, इनकी डिटेल जानकारी स्वयं मैं पढ़ाऊंगा। इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है, इंडिया के अंदर आप चाहे रेगुलर सीखना चाहते हैं और चाहे आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो 31,000 रुपये है, जिसमें एडमिशन और फॉर्म के साथ 15,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना होगा। अगर आप विदेश में सीखना चाहते हैं तो 51,000 रुपये है, वो पूरा आपको फॉर्म के साथ डिपॉजिट करना होगा। आप एडमिशन के लिए हमारी दोनों ब्रांचों में संपर्क कर सकते हैं। नोएडा ब्रांच में जो वहाँ हैंडल करेंगी कविता हैं, कविता वर्मा, नंबर है 9811002025, सेक्टर 12 क्यू ब्लॉक में कोठी नंबर 15। और दिल्ली ब्रांच में रश्मि शर्मा हमारे इसको देख रही हैं पूरा एडमिशन प्रोसेस को, उनका नंबर है 9811004156 और एड्रेस है C9 महिंद्रा पार्क पंखा रोड न्यू दिल्ली 59 जनकपुरी, ये हमारा हेड ऑफिस है, इनमें आप संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑनलाइन और रेगुलर दोनों क्लासें एक साथ चलेंगी, तो जो ऑनलाइन लोग होंगे वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो मेरे सामने बैठेंगे जिनको मैं स्वयं पढ़ाऊंगा वो भी इसमें पढ़ सकते हैं। तो एडमिशन का आधार पहले आओ पहले पाओ पर रहेगा, तो तुरंत एडमिशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इन ब्रांचों में। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप मित्रों ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आप ही के इस लोकप्रिय प्रोग्राम में। इस एड में हमने सिर्फ ये जानकारी दी है कि क्लासेस शुरू हो रही हैं, अगर आप क्लास पढ़ना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा वो चार दिशाएं लक्ष्मी क्यों प्रसन्न होती हैं और धन के स्रोत खुलते क्यों हैं। ये सच है कुएं में अगर स्रोत ना हो तो पानी नहीं आएगा और झरने में स्रोत ना हो तो पानी नहीं आएगा। पानी के साथ माँ लक्ष्मी का बहुत गहरा संबंध है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और लक्ष्मी जी साथ होते हैं, इसलिए जहां पानी है, जहां जल है, जहां नीर है, वहां पर धन है, ये सच है, वहां जीवन है, इसलिए कहा है जल ही जीवन। अगर मैं नदी के किनारे रहूंगा तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ही पैसा कमा सकता हूं, जब पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा तो धन नहीं होगा। इसलिए सबसे जो उत्तम दिशा होती है इसमें अपर हेड और अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड की जानकारी दे रहा हूं फिर अपर हेड की जानकारी दूंगा, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, ये सबसे उत्तम होता है। अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक खोदना चाहते हैं रखना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में रखें। ये नॉर्थ ईस्ट जो होता है ईशान कोण, इस दिशा का जो स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति धन का कारक भी होता है, धन देता है, अपार धन देता है। तो जिनके नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग होगा, कुआ होगा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहेंगे। दूसरे नंबर पर आता है पूरब दिशा, पूरब दिशा में भी वाटर टैंक है तो भी आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। और तीसरे नंबर पे आती है उत्तर दिशा, प्रॉपर उत्तर नहीं, उत्तर और ईस्ट के बीच में, ईशान कोण और नॉर्थ के बीच में, यहां पर भी पैसा आता है क्योंकि पहाड़ हैं इधर नॉर्थ में, पहाड़ों से जल आता है, फिर वो नॉर्थ ईस्ट से होता हुआ फिर ईस्ट में निकल जाता है, समुद्र में चला जाता है। अपर हेड टैंक, पश्चिम दिशा से हमें एनर्जी मिलती है, अन्न की एनर्जी मिलती है, अन्न जो होता है, कनक जो होती है, वो पश्चिम दिशा से हमें उसकी उन्नति मिलती है। अपर हेड टैंक अगर आप बनाना चाहते हैं छत के ऊपर तो पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए, उससे फिर जबरदस्त लाभ मिलता है। ये चार दिशाएं हैं अगर इनमें आप टैंक बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपका कहीं टैंक है, नॉर्थ वेस्ट में वाटर टैंक है, साउथ वेस्ट में वाटर टैंक है, साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, तो फिर अनर्थ हो जाता है, पैसा नहीं बचेगा, लक्ष्मी ही रुकती है, धन धान की कमी होनी शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए
ध्यान रखें। आप भी चाहते हैं अपना वास्तु चेक कराना तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, वास्तु भेंट करा सकते हैं। अपना घर है ये मेरी गारंटी है, आपका घर, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान, हॉस्पिटल, आपका सोसाइटी, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वास्तु हमारे अधीन है, हमारे अनुभव के अधीन है, हमारे शास्त्रों के अधीन है। ग्रह न शास्त्रों के अधीन है न हमारे अधीन है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत ग्रहों के अधीन है। और ग्रहाधीनम नराबरा, यानी सब पूरा जगत 84 लाख योनियां सब ग्रहों के अधीन है। तो जो ग्रह चाहता है फिर वही होगा। इसलिए ग्रह आपके भाग्य है और घर आपका कर्म है। तो आप चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, आपको मैं अपना पता दे देता हूं, नोट कर लीजिए। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट, पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 0112563-8157-2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156-9212-860-90, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawal.com।